नया पाकिस्तान में मिस्टर स्पीकर कोई आज़ादी ही नहीं है, ना आवाम आज़ाद है, ना सहाफत आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है। सेंसरशिप इस हद तक पहुंच गई है, इस हद तक पहुंच गई है कि मेंबरान नेशनल असेंबली को सेंसर किए जा रहे हैं। माइक बंद करना एक चीज होता है, मेरा हर दूसरा लफ्ज को हजफ करना भी सेंसरशिप होता है, मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकालना भी एक किस्म का सेंसरशिप होती है। सुना है कि मेरा गैर मौजूदगी में ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब ने सिलेक्टेड का लफ्ज जो है वो बैन किया है नेशनल असेंबली में। नाउ सिलेक्टेड इज द इंग्लिश वर्ड फॉर चोजन, इसमें ना कोई गैर पार्लियामानी लफ्ज है, लेकिन आपकी मर्जी। वजीर आजम की ईगो की वजह से आपने मेरा लफ्ज नेशनल असेंबली में बैन तो कर दिया, लेकिन ये तारीखी सेंसरशिप है। ये किस किस्म का आजादी है कि मेंबरान नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आजाद नहीं है, बोल नहीं सकते हैं। आपके पास अख्तियार है, आप किसी भी लफ्ज को एक्सपंज कर सकते हो, लेकिन हुकूमत का ना कोई लफ्ज एक्सपंज किया जाता है, ना बैन किया जाता है। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, अगर इस पे कोई शक है तो फिर हमने रिगिंग पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाया था? खान साहब क्यों बार बार कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चाहते हो मैं खोलने के लिए तैयार हूं? मैं समझता हूं ये छोटी बात है।